फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश स्पोकन की छठवीं क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश स्पोकन की ट्रेनिंग के बारे में सीखेंगे। जब भी हमें इंग्लिश बोलना होता है, इन चार चीज़ों को माइंड में जरूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है हाउ टू स्टार्ट। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम इंग्लिश किसी से भी स्टार्ट करें तो कैसे करें। हाउ टू लीड, अगर स्टार्ट भी कर दी जाए तो उसको आगे हम कैसे बढ़ाएं। इफ गेट स्टक, यदि बोलते बोलते हम कहीं अटक जाए, हाउ टू ओवरकम, तो उससे कैसे निकला जाए। ये चार ट्रेनिंग की जो बातें हैं, इन चारों का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डेली रूटीन। हमारे जीवन में कोई भी कार्य शामिल है, ऐसा कार्य जो या जिस कार्य को हमने अपने जीवन में अपना रखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज से पहले इन फास्ट वो कार्य हमने बार बार किया है और इन फ्यूचर उस कार्य को हम बार बार करेंगे। तो ऐसे कार्य जिनको हम भूतकाल में भी कर रहे हैं और भविष्यकाल में भी करेंगे, वो कार्य हमारे जीवन में शामिल है। जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। टेक फूड या बात, खाना खाना या स्नान करना। गो टू स्कूल, स्कूल जाना। प्ले, खेलना। मोप द फ्लोर, फर्श पर पोछा मारना। वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालना। रीड द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। ये सारे के सारे कार्य हमारे जीवन में मिल है। इन सेंटेंसेस का यूज कैसे करते हैं, तो दोस्तों ये हम देखते हैं इस चैप्टर में। हाउ टू यूज, हमने पढ़ा था कि इंग्लिश सीखने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तीन पर्सनों के बारे में जानना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़े सारे के सारे एक्शन। इन एक्शंस को पर्सनों को साथ जोड़ने हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया आई, आई एक्शन। सेकंड पर्सन हो गया यू, यू एक्शन। थर्ड पर्सन हो गया ही, सी और एक्शंस। देखते हैं इनका यूज करते हुए कैसे होता है। फोर फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के लिए इन सेंटेंसेस का यूज कैसे होता है। सपोज हमारे सामने ये एक एक्शन है, वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालना। सेकंड एक्शन है वॉक द डॉग, कुत्ते के साथ घूमना। सुबह सुबह हम कुत्तों को लेके घूमते हैं या कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसको बोलते हैं कुत्ते के साथ घूमना। तीसरा एक्शन है मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक बनाना। ये तीन प्रकार के एक्शन हैं, इनको या ये एक्शन हमारे जीवन में शामिल है और नहीं भी है। अगर अपने जीवन में शामिल है तो हम यूज करेंगे आई एक्शन। जैसे आई वॉटर द प्लांट्स, इसका मतलब हुआ मैं पौधों में पानी डालता हूँ। अगर हमारे जीवन में शामिल नहीं है तो फर्स्ट पर्सन बोलेगा आई डोंट एक्शन, मतलब आई डोंट वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी नहीं डालता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही हम सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड पर्सन के लिए हम एक्शन लेते हैं गो फॉर वॉक, वॉकिंग के लिए सुबह सुबह घूमना। स्मोक, धूम्रपान करना, सिगरेट वगैरह पीना। और मेक द रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना। ये तीन एक्शन हमारे साथ हैं। अब हम सेकंड पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेकंड पर्सन के
जीवन में ये चीजें शामिल है तो क्या बोलना है, नहीं है तो क्या बोलना है। तो सेकंड पर्सन के लिए एक और एक्शन है, टेक टी, चाय लेना या चाय पीना। तो दोस्तों देखिए, यू गो फॉर वॉक, यू के साथ अपने को एक्शन लगा देना है, इसका मतलब हो गया तुम घूमने के लिए जाते हो। अगर सेकंड पर्सन नहीं जाता है तो बोलेगा, या हम उसको कहेंगे, यू डोंट गो फॉर वॉक, तुम घूमने के लिए नहीं जाते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर्सन के लिए कुछ एक्शन है, गो टू स्कूल, प्ले चेस, चोप द वेज, इसका मतलब होता है सब्जी काटना, और मेक दी रूम टाइडी, कमरे की सफाई करना। अगर थर्ड पर्सन के जीवन में ये कार्य शामिल है तो हम कहेंगे ही एक्शंज, मतलब ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर नहीं जाता है तो हम कहेंगे ही डजंट एक्शन, मतलब ही डजंट गो टू स्कूल। तो दोस्तों ये तीन प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हाउ टू स्टार्ट, लोगों से वार्तालाप करने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश स्टार्ट कैसे करें किसी से भी। तो दोस्तों इसका भी हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं क्या करना है। सपोज करिए कोई भी आपके सामने आ रहा है, कोई भी आपका पार्टनर हो, कोई आपका दोस्त हो, या कोई भी आपके सामने जो भी सेकंड पर्सन आ रहा है, आप उससे क्वेश्चन करिए, डू यू एक्शन। उसका आंसर होगा यस आई एक्शन, अगर वो नहीं करता है तो नो आई डोंट एक्शन, उसका रिप्ले होगा। इसके एग्जाम्पल पे आप देखते हैं, स्मोक, धूम्रपान करना, ये एक एक्शन है। अगर हमें सामने वाले से कंफर्म करना है कि वो ये कार्य करता है या नहीं करता है, तो इसको हमें कैंसिल बोलना करने के है, लिए हम डू यू यूज करेंगे स्मोक, क्या आप इट धूम्रपान करते हो। यदि वह करता है तो वो बोलेगा यस आई स्मोक, मैं धूम्रपान करता हूं। अगर वो नहीं करता है तो बोलेगा नो आई डोंट स्मोक। तो दोस्तों ये तो हुआ स्टार्ट करने का तरीका। हमें किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, केवल डू यू और वो एक्शन लगा देना है जो आपको कंफर्म करना है। आगे देख, हाउ टू एलोब्रेट। अब हमने इंग्लिश बोलना स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन उसको एलोब्रेट भी तो करना है, एक बार सेंटेंस बोलते ही चुप थोड़ी हो जाना है। तो देखते हैं बातों से बातें कैसे निकाली जाती है। तो उसी सेंटेंस को ये एलोब्रेट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को, ये कुछ WH वर्ड्स हैं, इनको हमें याद रखना है। जैसे फर्स्ट है व्हेन, कब, सेकंड है वेहर, कहाँ, थर्ड हु विद, किसके साथ, व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों, हाउ, कौन, हुज, किसको, हाउ, कैसे, हाउ मैनी, कितना, हाउ मच, इसका मतलब भी कितना ही होता है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, हाउ मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा और हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए। उसके बाद में आता हाउ लॉन्ग, कितना लंबा या कितना समय, हाउ फार, कितनी दूर, और विच, कौन सा। तो दोस्तों इनको, इनके बारे में भी हम आगे, सपोज करिए हमें किसी से बात पूछनी है, तो ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, जैसे डू यू प्ले गोल्फ, क्या तुम गोल्फ खेलते हो। ये सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन का आंसर होगा यस आई प्ले गोल्फ, मैं गोल्फ खेलती हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गई स्टार्ट।
अब इसको एलोब्रेट करना है, और एलोब्रेट करने के लिए हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। उसने एक क्वेश्चन पूछा, डू यू प्ले गोल्फ, क्या तुम गोल्फ खेलते हो। इसी को एलोब्रेट करने के लिए व्हेन, तुम गोल्फ कब खेलते हो। सेकंड क्वेश्चन हम उसी से बना सकते हैं, तुम गोल्फ कहाँ खेलते हो। हु विद, किसके साथ खेलते हो। व्हाट टाइम, किस समय खेलते हो। और दोस्तों वाही से कोई भी क्वेश्चन हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो इससे पहले आप एक लाइन जरूर बोले, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क वन थिंग। उसके बाद में आप वाई से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वाई से पहले इस लाइन का बोलने का मतलब यह है कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं। वाई डू यू प्ले गोल्फ, आप गोल्फ क्यों खेलते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश का हमारा 6th चैप्टर उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।